संभल में समाज संरक्षण समिति के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर तीन मांगों को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष महंत भगवान दास शर्मा ने कहा कि गुन्नौर तहसील क्षेत्र के मीरपुर गांव बंद में सरकारी सिंचाई विभाग की भूमि पर 30 साल पहले अवैध पट्टे मिले थे, जिसको आज वो खारिज कर दिया गया है। लोगों की मांग है कि पट्टे काटने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि साकिर शोभापुर मिलक गांव के धर्मवीर की कुछ महीने पहले पुलिस की पिटाई से मृत्यु हो गई थी, जिसको डॉक्टर ने पीएम रिपोर्ट में सांप काटने का कारण बताया। उस डॉक्टर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सक्सेना अल्ट्रासाउंड सेंटर की मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई थी, जिसकी डॉक्टर मनोज चौधरी ने शिकायतकर्ता को बिना सूचना दिए फर्जी आँखियाँ लगा दी, जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है। ऐसे फर्जी आँख लगाने वाले अधिकारी मनोज चौधरी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। धंधा प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांग है आपके? संस्था की मांग ये है कि संस्था ने सितंबर में लगातार 6 दिन 3 बिंदु थे, उन बिंदुओं को समाधान और उसमें जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए 6 दिन लगातार धरना प्रदर्शन किया था। 6ठे दिन हमारे डिप्टी कलेक्टर और हमारे इंस्पेक्टर साहब आए और इन्होंने आश्वासन दिया कि आप उठ जाओ और हम इसकी जांच कराएंगे, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, हमें उस बात को 3 महीने हो गए, 3 जब कोई कार्रवाई नहीं करी तो झूठा आश्वासन दिया है, तो आज हमने फिर बतौर चेतावनी इन्हें दिन आए हैं कि आपने हमें झूठा सुन दिया है, आपने कार्रवाई नहीं की है, कार्रवाई कर दो अन्यथा नहीं तो फिर हमें अपना आंदोलन करना पड़ेगा और हम कौन सा हमारा रूप होगा। कार्रवाई को क्या मांगे थे आप? कार्रवाई को क्या मांगे? हाँ, मांग हमारी है, नंबर बिंदु तो हमारा ये है कि एक अल्ट्रासाउंड केंद्र संभल में है, उसमें एक पीड़ित गया और पीड़ित ने जो है पैसे जमा कर दिए, उसे कोई रसीद नहीं थी, और उसके बाद कह दिया कि शाम को 4:30 बजे आओ आप। वो पहुँचा 4:30 बजे मरीज को लेकर, तो बोला कि डॉक्टर साहब आप देख के करिए, आपकी रिपोर्टें गलत आती हैं, इतनी कही उसने, तो उसका फिर उन्होंने करा, मरीज था गंभीर, बोल नहीं मैं नहीं करूँगा। तो ये तो हमने उसकी शिकायत करी आ रही है उसमें मुख्यमंत्री पोर्टल पे, जांच हुई, डीएम साहब ने कमेटी बैठाई, तो उसमें डॉक्टर मनोज कुमार हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट लगाई फर्जी। तो हमारी संस्था की मांग है कि हमारे सामने जाँच करो, रसीद की कोई नहीं दी गई पक्की, उसमें जो है इसमें टैक्स चोरी है, और मरीज को आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार वहाँ का संचालक।